मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी की सफलता पार्टी के दौरान फेमस एक्ट्रेस कंगना रनावत ने रणवीर कपूर, रणवीर सिंह और आलिया भट्ट जैसे सितारों को ये कहते हुए झाड़ लगा दी थी कि ये सितारे भारतीय मुद्दों पर अपने विचार समाज के सामने नहीं रखते। वहीं कंगना ने ऐसे स्टार्स को गैर जिम्मेदार करार कर दिया था और कहा था कि बॉलीवुड को ऐसे मुद्दों पर जुबान खोलनी चाहिए। वहीं कंगना के अनुसार हमें देश व्यापी मुद्दों पर अपने विचार शेयर करना चाहिए। यह बहुत ही बचकाना है कि स्टार्स ऐसे मुद्दों पर जुबान खोलने से डरते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि हमारे हाथ से ब्रांड्स के एड निकल जाएंगे। वहीं हाल ही में आलिया भट्ट अपनी फिल्म ब्रह्मास्त्र के प्रचार के लिए मीडिया के सामने आई थी और उसके कंगना रनावत के इस बयान पर बोलने के लिए कहा गया। वहीं आलिया ने जवाब देते हुए कि देखिए, मैं भी कंगना की तरह बोल सकती हूँ और मैं उनका सम्मान भी करती हूँ। कंगना सही कह रही हैं, कभी कभी हम लोगों को बोलने से बचते हुए देखा गया है क्योंकि हम नहीं चाहते कि खामखा क्यों बोलना। मेरे पापा के अनुसार दुनिया में पहले से ही हर मुद्दे पर कई सारे ओपिनियन हैं और अगर हम अपना विचार साझा नहीं करेंगे तो इससे दुनिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो वहीं मैं हर मुद्दों पर अपने विचार रखती हूँ जिसे मैं अपनी तक ही सीमित रखती हूँ। हालांकि मैं कंगना रनावत की तारीफ करती हूँ कि वो अपने विचारों को इस तरह से साझा कर पाती हैं। वहीं आलिया भट्ट की अगर प्रोफेशनल लाइफ की बात की जाए तो वो इस साल दो बड़ी बजट की फिल्में लेकर आ रही हैं जिनमें से एक है आयान मुखर्जी की ब्रह्मास्त्र जिसमें रणवीर कपूर उनके साथ नजर आएंगे, तो वहीं उनकी दूसरी फिल्म जो है वो है कलंक जिसमें वरुण धवन के साथ वो दिखाई देने वाली हैं। फिल्मी अड्डा से प्रियंका की रिपोर्ट।